बाबा तेरी कलम के बल पे हम राज करते हैं, तेरी करनी पे हम नाच करते हैं, बदले का वक्त और जमाना भी जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। जय भीम। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने नरेंद्र गुरु जी का भी, जिन्होंने मुझे दोबारा यहाँ बोलने का मौका दिया। और आज सभी ग्रामवासियों को भी आभार करता हूँ कि आपने मुझे अपने ग्राम हुसैनपुर में आने का मौका दिया। आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहे, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और सबसे पहले मैं विश्वरतन परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और संतों में संत संत श्रोमणी गुरु विदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज आपके ग्राम हुसैनपुर में जो कथा चल रही है गुरु रविदास जी और बाबा साहब के विचार आपको बताए जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनको बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जो गुरु जी आपके बीच बैठे हैं, मैं इनके यहाँ दूसरे प्रोग्राम में पहुंचा हूँ और बहुत ही सुंदर तरीके से ये बाबा साहब और रविदास जी के बारे में बताते हैं और अपने समाज को एक दिशा देते हैं कि जो हमारा समाज है वो सही दिशा पर चले, सही रास्ते पर चले। क्योंकि आज जो कुछ भी है हम बाबा साहब की देन है। 5000 साल पहले इस देश के अंदर हमारे गले में हंडिया टंगी हुई थी और पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमें गुलाम बना दिया गया था। उस गुलामी की पेड़ियों काटने के लिए हमारे परम पूज्य बाबा साहब दिन रात जगे रहे, उन्होंने भी चार चार औलादे कुर्बान की, क्योंकि क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ था। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो समय बदल गया है, सारी हमारी माता बहने और मेरे भी युवा भाई शिक्षित हैं, अगर वो संविधान पढ़ लें अपने अधिकारों को पढ़ लें तो कोई सी ताकत नहीं उन्हें हरा सके। वो ताकत है संविधान में, वो अधिकार है संविधान में, क्योंकि संविधान ही हमें आजादी दिलाता है, इस देश को समान अधिकार देता है। संविधान में एक बार के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर रहने वाले सभी धर्मों के लिए समानता का अधिकार दिया संविधान ने। बाबा साहब ने समाज के लिए नहीं सर्व समाज के लिए संविधान लिखा है, जिससे आपने देखा अगर किसी को घटना घट जाती है, किसान मार पिटाई हो जाती है तो कानून से तो मांगना नहीं आ जाके, वो कानून किसका है? वो कानून हमारे बाबा साहब का है। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। मैं बताना चाहूंगा जब बाबा साहब गोल में सम्मेलन में जा रहे थे तो उनका जो सबसे प्रिय बेटा था राजतन, जिसको कहते थे इसको मैं देश का शासक बनाऊंगा, पर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बाबा साहब के पास ना तो पैसे थे ना ही कोई ऐसी सुविधा थी, पैसों के अभाव से दवाई के अभाव से बाबा साहब का जो बेटा था प्रिय बेटा राजतन वो मर जाता है और बाबा साहब सम्मेलन में जाने के लिए तैयार रहते हैं। तभी उनका छोटा बड़ा भाई भाग्यम के पास आता है कि अम्बेडकर तू कैसा बाप है, तेरी औलाद मरी पड़ी है और तू उसे छोड़ के जा रहा है। बाबा साहब ने ये कहा था कि आज उस सम्मेलन में नहीं पहुंचा या उस गोल में सम्मेलन में उस मीटिंग में नहीं गया, आज तो मेरे एक बेटा मरा है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे करोड़ों बेटे मर जाएंगे, क्योंकि उस सम्मेलन आपके अधिकारी को लिए था। उस सम्मेलन में जाकर बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिया, क्योंकि मेरे समाज को वोट का भी डालने का अधिकार नहीं था। पहले ऐसा हुआ करता था जो राजा महाराजा हुआ करते थे, रानी के पेट से चाहे अंधा हो लंगड़ा हो काना हो वही राजा बनता था। और बाबा साहब ने सारी बेड़े खत्म कर दी। बाबा साहब ने कहा कि जो ताकत एक अमेरिकी वोट है वो ताकत गरीब के वोट की भी होगी। आज जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं ये हम सबके वोट से तो बने बैठे हैं ना, हमने वोट देने तो जीते, तो आप अपनी ताकत समझे, बाबा साहब के ताकत को संविधान को समझे। हमें बाबा साहब को पूजना नहीं है, हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है।
क्योंकि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को बदल गए वो भीम थे, हम लोग सिर्फ इतिहास पढ़ाए यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। साथियों मैं बाबा साहब के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आप भी जितनी हमारी माता बहने बैठी हैं, सबसे ज्यादा मेहनत और संघर्ष बाबा साहब ने औरतों के लिए महिलाओं के लिए किया, क्योंकि जो मनुगम विधान था उसमें यह लिखा था कि औरत चार दीवार से बाहर नहीं जा सकती, औरत ना तो धन रख सकती है, ना ही कुछ कर सकती है, ना नौकरी कर सकती है। ये किसकी बदौलत थी? उस मनु के विधान की। और बाबा साहब ने सारी पीढ़ियां काटी महिलाओं की और संविधान में लिख दिया कि हमारी बहनें आईएएस बनेंगी, फीसद बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी। ये देन किसकी है? ये संविधान की देन है। तो आपको समझना होगा, मेरी बहनों को समझना होगा कि आप वो तोड़ नहीं है कि आप पढ़े लिखे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी डिग्री प्राप्त करें और नौकरी प्राप्त करें। संविधान को पढ़ो, आपका सब अधिकार पता चल जाएंगे। ये रुतबा भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान मुझको तेरे संविधान से मिला है, और को जो मिला था मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि आपको जो हमारे गुरुजी बैठे हैं दिनेंद्र दास जी, इनकी बातों को सुनना है बड़े ध्यान पूर्वक। मैं तो यही अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we